और यूएस जो है हमें रिक्रूट कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। अबे हमें रिक्रूट करेगा यूएस? अबे कैसा पागल इंसान है। बीजेपी ओपनली डिस्पेयरिंग इस्लाम एंड अदर रिलीजन वाइल प्रेजेंटिंग लेजिस्लेशन टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कंप्लीटली एंटी इंडियन आर्टिकल है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेंट हिंदू नेशनलिस्ट ने मस्जिद तोड़ दी थी, भारत की मतलब बेइज्जती कैसे करे कोरियन के सामने। हाँ भाई मैं जीत गया, ये जीत जाता भाई। हमारा नाम ही, हमारी कंट्री का नाम भारत है भाई। जेपी जो है ना, हु परस्यू हिंदू नेशनलिज्म ट्राई टू मेक द नेम भारत। आप सोच रहे हो ये कोरियंस पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में क्या छवि आएगी कि भारत। हे गाइस व्हाट्सअप, क्या ले आप लोगों के गाइस। ये सेकंड पार्ट जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कोरियन मीडिया के रिएक्शन, भारत या इंडिया, जो मोदी जी ने जो G20 समिट में जो अपना जो कंट्री का नाम होता है उसमें भारत लिखा था, इंडिया ही लिखा था, तो कोरियन मीडिया का क्या रिएक्शन है। और मैं सारे मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल देखा था एंड सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखोगे ना तो आप ये सोचोगे यार क्यों ऐसी बकैती पेल रहे हैं, क्यों मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में, और ये इंडिया के अंदरूनी मैटर्स को ऐसे क्यों मतलब लिख रहे हैं, वो भी वन साइडेड। तो ये वीडियो ना एंड तक देखना बहुत जरूरी है और एक 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 सेकेंड देखना बहुत जरूरी है। और भैया जो है नया चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, कर देना। ये वीडियो जो है ना आपको शॉक कर देगा, शॉक कर देगा, शॉक कर देगा। लेकिन मैं आपको पहले कह दे रहा हूं कि जनरलाइज नहीं कर रहे, सारे मीडिया ने ये नहीं लिखा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ मीडिया ने लिखा है, कुछ यूट्यूब चैनल पे जो उनके न्यूज चैनल, कोरियन न्यूज चैनल के जो यूट्यूब चैनल है उस पर कुछ वीडियो शेयर हुई हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने पूरा ट्रांसलेट कराया है, पूरा ट्रांसलेट कराया ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो मैं आपको थोड़े थोड़े से ना मेन मेन पॉइंट जो है वो समझा देता हूँ, वो बता देता हूँ। इन मार्च, सबसे पहले लिखा है इन मार्च 2016 सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन थी जिसमें लिखा गया था कि हाँ भाई भारत को, इंडिया को भारत कहा जाना चाहिए। तो वो पिटिशन जो थी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये पॉइंट है। फिर लिखा है कि हाँ भाई 7 साल बाद अब मोदी गवर्नमेंट ने G20 में भारत लिखा, इंडिया ने लिखा, जिससे ना बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और फायर क्रिएट हो गया है। मोदी गवर्नमेंट ने फायर क्रिएट कर दिया है। मैंने आपको बोला था ना कि हाँ भाई ये आर्टिकल जो ना ऐसा ऐसा है कि इसमें लिखा कि भारत का जो वर्ड है ना महाभारत से लिया गया है और जो है ना हिंदू हिंदुज्म का मतलब साइड है, मतलब जो भारत नाम है वो बस हिंदू यूज करते हैं और हिंदुओं के लिए है। तो ये एक एसेंस है, मतलब इस जो आर्टिकल है ना ये एक पूरा सारांश है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। फिर बाबू भैया लिख रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया में तो सारी लैंग्वेज बोली जाती है और भारत जो ये तो हिंदी का वर्ड है और हिंदुओं का वर्ड है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये पूरा एक समझाया गया है। फिर बाबू भैया लिख रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया में बीजेपी का राज है और बीजेपी जो है हिंदू नेशनलिस्ट वाली पार्टी है, हिंदू नेशनलिज्म वाली पार्टी है, और ये जो भारत वाली कंट्रोवर्सी है ना, भारत भारत जो कर रहे हैं, इससे ना एक एक हिंदू नेशनलिज्म का जो है ना एक भाव फायर आ गई है, तो जो बहुत ही डेंजरस है पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे वर्ल्ड में इसके लिए ना कंसर्न रेज हो रहे हैं। फिर भाई हिस्ट्री भी बता दिया कि 1920 में जो है हिंदुत्व का मतलब वो हुआ था, क्या कहते हैं, उत्पन्न हुआ था हिंदुत्व वर्ड जो है, और उस हिंदू मुसलमान ये सारी चीज, ये सारा मैटर लिखा गया भाई, पूरा डिटेल, बहुत बड़ा आर्टिकल है तो मैं सारा तो आपको समझा नहीं पाऊंगा। आप पढ़ सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मेन मेन पार्ट जो मुझे समझ में आए कि आपको पता चलने चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बस हिंदुत्व की बात नहीं है, RSS की बात आ गई, RSS की बात आ गई। हाँ भाई ये RSS से लिंक्ड है ये पार्टी, और RSS वही RSS है जिसने गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी का जो हत्यारा था वो RSS का मेंबर था, ये भी समझाया गया। आप सोच रहे हो ये कोरियंस पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में क्या छवि आएगी कि भारत ऐसी पार्टी के द्वारा रूल्ड हो रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये माइंडसेट जो है ना ये बहुत डेंजरस था, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया और ये बहुत लंबा आर्टिकल है भाई, सीरियसली वेरी अनफॉर्चुनेट। दो बाबू भैया लिखता है कि हिंदू नेशनलिज्म, बीजेपी जो है ना हु परस्यू हिंदू नेशनलिज्म ट्राई टू मेक द नेम भारत। मैं एक चीज बता देता हूँ भाई, मेरे दोस्त मुसलमान भी है, बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी भारत वर्ड यूज करने में। ये कोई भी मतलब भारत, अबे हमारा नाम ही, हमारी कंट्री का नाम भारत है भाई। इंडिया भी हम यूज करते हैं, भारत भी हम यूज करते हैं, तो इसमें ऐसी कंट्रोवर्सी की हिंदू यूज करेंगे बस, हम मुसलमान नहीं करना चाह रहे या कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहे भाई, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ, ऐसा कोई मैटर है।
अगर दो चार अगर ऐसा कह भी रहे होंगे तो भाई उनके पॉलिटिकल गेन्स होंगे या कुछ ऐसा होगा, बट आई डोंट थिंक कि ये आर्टिकल इतने, मतलब भाई बंदे को, बंदा 10वीं पास कर ले, इतना बड़ा ऐसे है ये, मतलब आईएएस आईएएस पास कर ले कि हाँ भाई मैंने ऐसे लिख दिया निबंध भारत की, मतलब बेइज्जती बेइज्जती कैसे करे कोरियंस के सामने, हाँ भाई मैं जीत गया, ये जीत जाता भाई, नोबल मिल जाता इसको, नोबल पुरस्कार निबंध में। और ये यही नहीं, ये आरएसएस के मोहन भागवत का भी नाम ले रहे हैं कि हाँ भाई उस उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि हाँ भाई ये इंग्लिश, मतलब इंग्लिश वर्ड है और वी शुड अबैंडन दिस वर्ड, इस वजह से ये जो है भारत गवर्नमेंट जो है ये कर रही है। अभी क्या मैटर चल रहा है, अभी मैटर चल रहा है हाँ भाई हिंदू इतने सारे हैं, मुसलमान इतने सारे हैं, हिंदुत्व बिगेन हुआ, हिंदुत्व मूवमेंट जो है नेहरू के सप्रेशन से भी सर्वाइव कर गया, और फिर बीजेपी पार्टी बनी, बीजेपी की पार्टी जब बनी तो हाँ भाई साहब हिंदू नेशनलिज्म टूवर्ड्स टोटेलिज्म, ये क्या है भाई, इसमें ये भी बता दिया कि हाँ भाई इंडिया में जो है मस्जिद तोड़ डिस्ट्रॉय कर दी हिंदू नेशनलिस्ट ने, वायलेंट हिंदू नेशनलिस्ट ने मस्जिद तोड़ दी थी अयोध्या में 1992 में, एंड 2000 लोग मरे थे। उसके बाद लिखा कि और फिर मोदी जी ने अभी वहां पे मंदिर का शिलान्यास करा उसी लैंड पे। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कंप्लीटली एंटी इंडियन आर्टिकल है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और एंटी मोदी आर्टिकल है कंप्लीटली। भारत और इंडिया की जब बात आ रही है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ऐसा बनाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चल रही है, भारत मतलब मुसलमान जो है भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कुछ ऐसा सा मुझे जो लग रहा है। और हाँ भाई जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो तब से ये ट्राई करेगी हिंदी जो ना यहाँ की नेशनल लैंग्वेज बन जाए। क्या क्या वाहियातपन है यार, मतलब तुम्हारे पास मीडिया मीडिया मतलब इस बंदे के पास मीडिया का कोई है सोर्स तो मतलब कुछ भी डाल दोगे क्या, मतलब देखना चाहिए कोरियन गवर्नमेंट को, ये चीज बहुत ही गलत है। द स्टेट प्राइम मिनिस्टर इन साउथर्न तमिलनाडु प्रोटेस्ट ओपनली प्रोटेस्ट पब्लिकली प्रोटेस्ट सेइंग द मोदी गवर्नमेंट फोर्स्ड हिंदी, 44% 44% ऑफ पीपल स्पीक हिंदी फ्रॉम बर्थ। बीजेपी ओपनली डिस्पेयरिंग इस्लाम एंड अदर रिलीजन वाइल प्रेजेंटिंग लेजिस्लेशन टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। और लिखा है कि मेजर जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो मोदी के क्या कहते हैं क्लोज हैं मीडिया आउटलेट्स। अभी क्या मतलब, क्या ये क्या है, ये कौन बंदा है, कैसे ले सकता है ये तो बहुत ही गलत है यार भाई। ये लोग पढ़ेंगे कोरियन, मतलब आई डोंट नो कि ये फेमस है या नहीं है, आई डोंट नो ठीक है, बट ये कुछ ना कुछ तो कोरियन पढ़ेंगे, उनका तो दिमाग में ही जाएगा ना। इमेजिन मैं तो कोरियंस को कोरियन लोगों को हम ब्लेम नहीं कर सकते भाई इसमें, मतलब इमेजिन अगर इंडियन मीडिया कुछ ही ऐसा कोरियन के बारे में लिखे, आप तो उस पर विश्वास करोगे ना कि हाँ भाई इंडियन मीडिया मतलब हमारी मीडिया हमारे लोग जो है ऐसा बोल रहे हैं तो सच्ची होगा। आपको क्या पता कोरियन साइड, कोरियन लोगों का साइड क्या है। तो ये तो वैसे लिखा है कि हाँ भाई कोई तो बोलेगा नहीं, कोई तो मेरा पढ़ेगा नहीं, तो मैं तो लिख देता हूँ कुछ भी। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, और यूएस जो है हमें रिक्रूट कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। अबे हमें रिक्रूट करेगा यूएस, अबे कैसा पागल इंसान है भाई साहब। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना, मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कोरियन लोग पढ़ेंगे तो बहुत उनको एक गलत छवि जाएगी इंडिया की कि हाँ भाई हम तो ऐसे ही हिंदू मुसलमान लड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। भाई मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत सारे मुस्लिम लोग डीएम करते हैं कि भैया ये हेल्प चाहिए, ये हेल्प चाहिए कोरिया आने के लिए या फिर कोरिया में स्टडीज़ के लिए। भाई मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि यार ये हिंदू है तो मैं इसको हेल्प करूंगा, ये मुसलमान है तो मैं इसको हेल्प नहीं करूंगा। आई एम प्रीटी श्योर जो मुस्लिम्स होंगे वो भारत वर्ड से, आई डोंट थिंक कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी कि भारत वर्ड हम यार इनको क्या, अब इस चोपड़ी को क्या पता कि भाई इंडिया में क्या क्या माहौल है क्या माहौल नहीं है। टोटली टोटली आई एम ब्लैंक फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये है कि टोटली गलत दिखाया गया, वन साइडेड दिखाया गया। और ना मैंने थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सारी चीजें पढ़ी हैं, तो मैं ज्यादा ये सच का रिएक्शन है। उस टाइम ही लगा था कि हाँ भाई कुछ थोड़ा सा गलत है इंडिया के बारे में, तो ये दिखाना जरूरी बनता है लोगों को। लेकिन अभी जब मैंने सारी चीजें पढ़ी कि हाँ भाई मोहन भागवत की बात कर रहे हो, आरएसएस की बात कर रहे हो, आरएसएस वही है जिसने जिनके एक मेंबर ने गांधी को मारा था, मोदी जब से आया तब से वो हिंदी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहता है, या फिर मस्जिद तोड़ी थी, मस्जिद तोड़ने के बाद मोदी जो है उसी जगह पे शिलान्यास कर रहा है मंदिर का,
जो मुझे लगता है ये जो आर्टिकल है ना पेड होगा हमारे दुश्मनों के द्वारा, नो डाउट हमारे दुश्मनों के द्वारा पेड होगा। यही होती है प्रोपोगंडा, यही बनता है, ये ऐसे ही बनता है प्रोपोगंडा। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, भाई आपको फर्क नहीं पड़ता, कोरियन जो पढ़ेंगे उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, हो गएगा इंडिया फिर आएंगे नहीं, वो इंडिया टूरिज्म नहीं आएगा, बहुत सारी मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, कंपनीज आने से मना करेंगी, यार इंडिया में तो ऐसा हो रहा है यार, हिंदू मुसलमान चल रहा है। तो ये फर्क ग्लोबली पड़ जाता है भाई, हमको फर्क पड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी मतलब ऑफिशियल, कोई यू नो हाई रैंकिंग ऑफिशियल देख रहा है तो प्लीज टेक अ नोट, बहुत गलत है ये, दोनों दोनों देशों के रिलेशनशिप के लिए बहुत गलत है, अगर इंडिया कोरिया के रिलेशनशिप के लिए भी बहुत गलत है। कोरियन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि यार ऐसे जो आर्टिकल्स है ना, वन साइडेड आर्टिकल्स जो है वो नहीं पब्लिश होने चाहिए, कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या वैलिडिटी है, तुम क्या सोच के लिख रहे हो, मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो तुम कुछ भी छाप दोगे, मैं छाप देता हूँ भाई कुछ भी, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। तुम्हारे देश के 5 करोड़ लोग जो जो लोग हैं, 5-6 करोड़ लोग वो पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तो वो क्या छवि बनाएंगे हमारी कंट्री के बारे में। हम भाई विश्व गुरु बन चुके हैं भाई, हमारे बारे में ऐसा कोई लिखोगे तुम, यार हम चांद पे पहुंचे हैं, हम सूरज पे पहुंचने वाले हैं, हम G20 हमने सक्सेसफुली पूरा जो समिट है वो पूरा या उसका पूरा ही ऑर्गेनाइज किया। टोटली टोटली बैड गाइस, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस आर्टिकल प्लीज लेट मी नो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वहाँ पे भी मेरे सब्सक्राइबर्स दिख गए थे, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब मुझे बताइए, और मेरा नया चैनल जो ना सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब से जो ना मैं इस चैनल पे, अभी इस चैनल पे अब से मैं बाली के ब्लॉग्स डालूंगा सारे के सारे, भर दूंगा मैं, देखना मत भूलना। आपका प्यार जो है ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप समझते नहीं हो। लव यू एंड टाटा एंड बाय बाय, मारो इसको मारो।